वैसे मेरे भाइयों, मैं अजय नगौर वीडियो के साथ। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास आ गया है कोटक का हमारा ये कार्ड है, प्रिविलेज कार्ड है, सॉरी कोटक प्लैटिनम लीग कार्ड है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि क्या फीचर्स वगैरह रहते हैं इसके, और इसको कैसे अप्लाई करना है। मैंने अपने कार्ड को अपग्रेड किया था, तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। कोटक से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं मेरे चैनल पे, वो भी देख चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए, मैं इसका अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। तो आप देखिए, कुछ इस तरह का पैकेजिंग आता है, तो आगे पीछे का मैं दिखा चुका हूँ। अब इसको ओपन कर लेता हूँ पहले मैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसे ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद देखिए, ये मेरा क्रेडिट कार्ड नंबर है, मैं इसे स्क्रैच किया हूँ, मेरा लिमिट वगैरह दिखा रहा है। और यहाँ पे देखिए, रिलेशनशिप नंबर, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का आता है। और इसको देखिए, ओपन कर लेते हैं हम। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए, हमारा यहाँ पे नीचे देखेंगे तो पे वेव कार्ड है, फ्यूल पे देखिए, यहाँ पे सरचार्जेस पेवियर है, 1,25,000 सिक्स मंथ के अंदर स्पेंड करता हूँ, गेट 4 मूवी टिकट्स, 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स। अगर मूवी टिकट्स नहीं मिलेगा तो 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स ले सकते हैं हम उसके बदले। और यहाँ पे देखिए, 8x रिवॉर्ड पॉइंट्स है, 150,000 स्पेंड है। तो इसका देखिए, एनुअल चार्जेस है 500। अगर आप 50,000, शायद एग्जैक्ट नहीं पता है, मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इस कार्ड का। अगर 50,000 स्पेंड करते हैं, रिटेल स्पेंड करते हैं, तो आपका जो वेवियर रहेगा, नेक्स्ट ईयर का जो चार्जेस लगता है हर एक कार्ड का, वो वेव ऑफ हो जाएगा। तो ये सब फीचर हैं इस कार्ड के। लुक ऑफ दी कॉन्टेक्टलेस है, टैप टू पे है, और यहाँ पे देखिए यही सब है यहाँ पे कॉन्टेक्टलेस मर्चेंट आउटलेट्स के बारे में। और यहाँ पे देखिए, कोटक प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड, तो यहाँ पे ये सब है कार्ड के फीचर्स। तो यहाँ पे देखिए, हमको एक पैम्पलेट मिला है, यहाँ पे इसको कैसे अनेबल डिसेबल करना है वो ऐप में जाके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बेसिक डिटेल्स, तो यहाँ पे क्यूआर कोड से आप इसका जो ऐप है डाउनलोड कर सकते हैं, कोटक 811 का। तो यहाँ पे देखिए, ये सब अनेबल है, डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल का, अनेबल डिसेबल, इस तरीके से आपको करना है, ये पैम्पलेट में है, इसको साइड में रखते हैं। उसके बाद देखिए, हमको एक और कार्ड मिला है, तो ये वेलकम शायद है कोटक की तरफ से। तो यहाँ पे देखिए, पे कन्वीनियंटली एट बिग बाज़ार, रिलायंस, ये सब है, शायद रिवॉर्ड पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे यहाँ पे आपको। तो ये कार्ड के बारे में देख सकते हैं आप। स्मार्टर वे टू पे, अगर आप बिल पेमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो लिंक पे भी जाके कर सकते हैं, ऐप में भी जाके कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर हैं यहाँ पे करने के, आप उस तरीके से भी पे कर सकते हैं। अब मैं पे करने का मतलब ये नहीं है कि बिल पे करने की बात कर रहा हूँ, बिल भी पे कर सकते हैं आप ऐप में जाके। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आपके क्रेडिट कार्ड के बैलेंस है, जो मतलब जो कोटक का बैलेंस है, उससे भी आप इस बार कोड वगैरह स्कैन करके पे कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर नोटिस किया हूँ, ये ज़्यादा काम नहीं करता है, कहीं कहीं पर काम कर दिया तो कर दिया, मैक्सिमम मैंने बहुत ट्राई किया है तो नहीं काम करता है, कभी काल एक बार दो जगह पर काम कर सकता है। तो ये भी इसके डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये सब देख पाएंगे आप लोग। तो चलिए, कार्ड की तरफ चलते हैं हम। तो कार्ड की तरफ से जाने से पहले यहाँ पे देखिए, पीछे ये सब फीचर्स है, ये गाइडलाइंस वगैरह दिया है, कैसे ये इन्फॉर्मेशन ऑफ योर क्रेडिट कार्ड थ्रू इसमें से आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये सब फीचर है। अब कार्ड दिखाता हूँ मैं आपको। तो कार्ड देखिए कुछ इस तरह का आता है, तो यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग। मैंने यहाँ पे नंबर ऐड किया है, यहाँ पे देखिए वाईफाई का सिग्नल मिल जाएगा, वीज़ा प्लेटिनम की तरफ से आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, लीक कार्ड है ये। और चलिए, मैं पीछे से इसको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये। पीछे से देखिए, कुछ इस तरह का दिखता है, आप लोग मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे देख पाएंगे, मतलब वीडियो में। तो इस तरह का कार्ड आता है पीछे से, आगे का मैंने आपको दिखाई दिया है। तो इस तरह का कार्ड आपको प्रोवाइड किया जाता है कोटक लीग, जो प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, बने रहे हमारे चैनल पर। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।